अगर मुझे कोई चीज चाहिए रहेगी तो मैं वो लेकर रहूंगा, रोकना है तो रोक लो। जी हाँ, ये बात आखिर क्यों करण कुंद्रा ने कही है, दिल खोल कर आपको बताते हैं इस वीडियो में। चलिए नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूस। आपको बताना चाहूंगी कि बिग बॉस 15 में करण कुंद्रा ने ऐसे कई सारे डायलॉग्स बोले थे, कई सारे जो कि लोगों को बेहद पसंद आए, उनके वन लाइनर्स लोगों को पसंद आए, चाहे अपने हक के लिए लड़ना या किसी के लिए लड़ना, सपोर्ट करना, ये सारी जो चीजें हैं वो ऑडियंस को बहुत पसंद आए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो करण कुंद्रा हैं उन्होंने अभी रिसेंट में, आज ही के दिन में इनफैक्ट, उन्होंने एक वीडियो डाला है और उस वीडियो में उन्होंने यही बात कही है कि मुझे अगर मुझे जो चीज चाहिए रहेगी तो मैं वो लेकर आऊंगा, और अगर आप लोगों को रोकना है तो रोक लो। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि करण कुंद्रा ने जो कैप्शन लिखा है वो कैप्शन इतना प्यारा है, फैंस का शुक्रिया अदा किया है उन्होंने, जिस तरीके का प्यार फैंस उन्हें देते हैं। तो आपको बता दूं, फैंस फैंस के लिए उन्होंने लिखा, थैंक यू फॉर योर लव, आपका प्यार, आपके नेस्टी वार, आपकी स्टॉकिंग, आपकी स्वीट टॉकिंग और मेरी लाइफ की हर सिचुएशन में मेरे साथ हैंड इन हैंड वॉकिंग, इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, करण कुंद्रा ने अपने फैंस से शुक्रिया अदा किया है कि आपका जो प्यार है, आपकी जो स्टॉकिंग है मेरे साथ, आपकी जो स्वीट टॉकिंग है, मेरे हर एक सिचुएशन में मेरे साथ जो वॉकिंग है, उन सभी चीज़ों के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, हर मैदान फतेह। जी हाँ, इस तरीके से करण कुंद्रा ने अपने फैंस को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि फैंस का जो प्यार है टाइम टू टाइम करण कुंद्रा को मिलते रहता है, और इसी की वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ में फ्लरिश हो रहे हैं और आप सभी का प्यार कॉन्स्टेंटली बना रहे, यही वो चाहते हैं। आप को क्या कुछ कहना है इस वीडियो को देखने के बाद, इस पोस्ट को देखने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा।